देखिए, एक ग्लास दूध और कद्दू से इतनी ढेर सारी मिठाई बनी है। ये देखने में भी बहुत सुंदर है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए शिवरात्रि पे बनाई है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा ये कैसी लगी। क्योंकि शिवरात्रि पे तो सभी व्रत रखते हैं, व्रत रखना भी ज़रूरी है मगर भूख भी बहुत लगती है, तो कुछ टेस्टी सा बना लिया जाए तो व्रत भी हो जाता है और भूख भी शांत हो जाती है। तो देखिए, मैंने सिर्फ एक ग्लास दूध से बनाई है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, चलिए शुरू करते हैं बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आधा किलो के करीब ये कद्दू लिया है मैंने, छील के कट कर लेंगे और उसके बाद इसे बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस हमने काट के छील लिया है और इसको वॉश कर लिया है, अब हम इसे कद्दूकस करेंगे बारीक वाला। हम इसमें जो कद्दू लेना होगा ये हमें पीला वाला, ये जो पका हुआ कद्दू होता है वो कद्दू लेंगे, हम इसमें हरा वाला कद्दू नहीं लेंगे जो हम सब्जी में यूज करते हैं। हमारा पूरा कद्दू हमने कद्दूकस कर लिया है बारीक बारीक, बिल्कुल इसी तरह से करिएगा। अगर आपको बारीक नहीं करना है तो आप मोटा भी कर सकते हैं, मगर उससे उतना अच्छा नहीं बनता है। अगर आप बारीक वाले कद्दूकस से करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा बनेगा, चाशनी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाएगा ये। वैसे कुछ लोगों को व्रत में मीठा खाना पसंद होता है और कुछ लोगों को नमकीन, वैसे आप लोगों को क्या पसंद है? मुझे तो मीठा खाना बहुत पसंद है। कढ़ाई में ऐड करेंगे थोड़ा सा देसी घी, ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही करना है इसको। और इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने कद्दूकस किया है कद्दू को, इस रेसिपी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है ना ये जो कद्दू हमने लिया है इसका पानी जमाने में, हम इसका पूरा जो पानी है इसमें बहुत पानी रहता है, इस सारे पानी को हम सुखा देंगे तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, बाकी तो रेसिपी बहुत ही आराम से बन जाएगी। जब तक इसका पानी जल रहा है हम दूसरे पैन में अपनी बाकी की प्रिपरेशन करेंगे। एक पैन में ऐड करेंगे एक ग्लास दूध, गर्म कर लेंगे इसको। हमारा पूरी तरह से गर्म हो गया, इसमें बॉईल आ रहा है, अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कप से थोड़ा सा कम मिल्क पाउडर, अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें आप मिल्क पाउडर या जो बच्चे दूध पीते हैं वो, या कोई भी मिल्क जो व्हाइटनर होता है, डेयरी व्हाइटनर होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तब आपको दूध थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा, लगभग 800 ग्राम के करीब आपको दूध लेना पड़ेगा और उसको पका के हम उसका मावा बना लेंगे, उसको थिक कर लेंगे एकदम। इतनी देर से पक रहा है, इसमें अभी भी काफी पानी है, हमें इसका पानी और सुखाना है और इसको अच्छी तरीके से पकाना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप के करीब शक्कर, इसको डाल के भी इसका जो पानी है और शक्कर जो भी इसमें मेल्ट होगी तो उससे जितना भी पानी निकलेगा उसको भी हम सुखा लेंगे, और भी ज्यादा सुंदर लगे खाने में तो टेस्टी होगा ही, अगर दिखने में भी और सुंदर लगे तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर सकते हैं, मगर अगर आप व्रत के लिए कर रहे हैं तो ना ही करें, इसमें जो भी कलर है बस उतना ही अच्छा लगेगा। मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूंगी जिससे इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। पूरी तरह से सूख चुका है, हम गैस की फ्लेम ऑफ करके इसको ऐसे ही फैला के सूखने के लिए छोड़ देंगे। हमारा मिल्क पाउडर और ये जो हमने दूध लिया था ये भी बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और एकदम सूख चुका है, इसको बस 2 मिनट और हम पकाएंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे भी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
हमने दूध और मिल्क पाउडर का जो मावा बनाया था ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें खुशबू और फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है इलायची पाउडर ऐड करने से। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत मिलाइए, वैसे मिलाइए तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। इलायची पाउडर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें इसको रखने हैं साइड में। कद्दू भी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कटोरी से थोड़ा सा कम डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नारियल का बुरादा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम लेंगे एक बटर पेपर और इस पे ये जो मावा बनाया था हमने वो फैला लेंगे। इसको मीडियम साइज का बेल लेंगे, ना मोटा ना पतला। इसको मीडियम साइज का बेल लिया है, ये ना मोटा है ना पतला है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो कद्दू था, इसको तो उस पर फैला लिया है अच्छे से, और जो हमारा बचा हुआ मावा था उसको अब इसके बीच में ऐसे लंबा सा रोल बना के रख देंगे और हम इसको रोल कर लेंगे। हमने रोल कर लिया है और इसे अब 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसको पीसेस में कट करेंगे।